अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और बहुत बहुत टाइम हो गया था कि मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। आई हैवन शेयर एनीथिंग विद यू गाइज एंड आई वाज ऑनेस्टली मिसिंग दिस पार्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आऊँ और आपके साथ कुछ शेयर करूँ। आज मेरी एक फ्रेंड की संगीत है एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। तो छोटा सा गेट रेडी विद मी रिकॉर्ड करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। उसके अलावा बहुत अरसे से मैं क्रैनबेरीज लेके भी आई थी और मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ऑरेंज क्रैनबेरी केक की रेसिपी भी शेयर करूंगी। सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ब्लैक ड्रेस पहनूं, कोई भी इवेंट आए तो मैं ब्लैक पहनूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम था कि मैं कुछ बनवा सकूँ। और बीच में शादी आ गई है तो मैंने सोचा कि मैं अम्मा का ड्रेस बॉरो करती हूँ। अम्मा ने पहना था अनिया की बर्थडे पे और साथ मैंने अनिया की एक ब्लैक शॉल इसके साथ मैचिंग कर लिया, आपको दिखाती हूँ। ये है अम्मा का ब्लैक वेलवेट ड्रेस। एक तो सर्दियाँ हैं तो वेलवेट तो भाई एक ड्रेस होना लाजमी होता है शादियों के लिए। और ये थोड़ा सा इस कट में है और बटन्स लगे हुए इसके ऊपर। लॉन्ग शर्ट है, साथ ट्राउजर, इसके सिगरेट पैंट्स हैं और साथ जो है ये ब्लैक शॉल मैंने मैच की है, ये अनिया की है। और इसके ऊपर जो है बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है गोल्ड सा, और ये सारा इसका बॉर्डर है। और साथ मेरा ये पोटली बैग मैच हो गया है, तो आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा संगीत के लिए। और इयररिंग्स, मैं ये वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ, अम्मा ने भी अनिया के बर्थडे पे पहने थे उनके हैं और मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और बस ज्वेलरी मैंने मिनिमल सी रखी हुई है, तो ब्रेसलेट मैं सिर्फ ये वाला पहनूंगी एंड आई हैव माई मेकअप ऑल लेड आउट। तो बस थोड़ी देर में तैयार होते हैं। अच्छा, तो जो मेकअप लुक मैंने सोची है दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्मज्ड आई लाइनर लुक। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आईज़ पे ज़्यादा हैवी ना जाऊँ, बट मुझे इतना हो कि थोड़ी मेरी आईज़ डिफाइंड लगे। तो आई विल बी टेकिंग सम ब्लैक आई शेडो या ब्लैक पेंसिल अगर मेरे पास हुई तो मैं वो यूज़ करके उसको थोड़ा सा स्मज आउट करूँगी अलॉन्ग विद सम ब्राउन आई शेडो। तो बस वो मिनिमल सी लुक रखनी है, नॉट गोइंग टू डू लैशेज और एनीथिंग लाइक दैट, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। और एंड फॉर द लिप्स आई विल बी गोइंग विद न्यूड लिप्स। और अम्मा कहीं थी भाई तुम ब्लैक पहन रही हो तो रेड लगाओ, बट आई विल बी जस्ट टू ओवर द टॉप्स, आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद न्यूड लिप्स। ओके गाइज, तो अब तैयार होना शुरू होते हैं। मैंने अपने फेस वॉश कर लिया है बाई यूजिंग ब्लिसफुल्स हाइड्रेटिंग क्लेंजर, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। एंड एज यू कैन सी ओवर टाइम जब से मैं यूज़ करना शुरू किया है मैंने ब्लिसफुल के आइटम्स, ऑल ऑफ माई अनइवन स्किन टोन और जहाँ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन होती थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है एंड आई डोंट हैव एक्टिव एक्नी एनी मोर। ये छोटे छोटे से जिट्स निकल आते हैं डाइट की वजह से, अप एंड डाउन हो जाता है तो ये निकल आते हैं। हैवंट हैड एक्टिव एक्नी और मेरी अनइवन स्किन टोन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाई यूजिंग दिस रोज़ वाटर स्प्रे। आप अपने मुंह को नॉर्मल टैप वाटर से भी डैम्पन कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्प्रे दिस ऑल ओवर माई फेस। जब तक मेरा फेस वेट है इस पर मैं अप्लाई कर लूँगी हाइलुरोनिक एसिड सीरम कि जो स्किन है उसे प्लम्पी बनाता है। सो आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस, इसको जेंटली स्किन पे अप्लाई करूँगी। सीरम अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मल्टी पेप्टाइड सिंटेला सीरम। और मैं हमेशा अपना मेकअप करने से पहले से ज़रूर अप्लाई करती हूँ बिकॉज इट गिव्स अ क्रैक फ्री फाउंडेशन। रात को मैं इसे यूज़ करती हूँ रेटिनॉल के साथ बिकॉज ये बड़ा अच्छा सा सूदिंग सा इफेक्ट देता है स्किन को। अब मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजर। स्किन का अच्छा प्रेप होना, प्राइम होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज योर मेकअप वोंट सेट प्रॉपरली। एंड एज यू गाइज कैन सी मेरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कम्प्लीट हो चुका है, ओनली माई कबर्ड इज लेफ्ट नाउ। तो इफ़ यू गाइज नो एनी ऑनलाइन पेज और एनी शॉप इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो कि वॉल पेपर्स सेल करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बिकॉज आई बिन लुकिंग फॉर दैम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही रीज़न आ जाता है कि इधर जो आपके वॉल वाले वॉल पेपर्स होते हैं वो कबर्ड पे स्टिक ऑन नहीं होते हैं, स्पेसिफिकली कबर्ड्स के लिए इस तरह का कोई स्टिक ऑन मिल नहीं रहा है। तो अगर आपको पता है प्लीज़ प्लीज़ गाइज लेट मी नो। अब मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। आई एम यूजिंग द मिल्क मेकअप हाइड्रोग्रिप प्राइमर और मैं इसे ऑलमोस्ट 6 to 7 months से अप्लाई कर रही हूँ एंड इट्स द बेस्ट प्राइमर दैट आई यूज। बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जब मैं दुबई गई थी आई रियली प्लान ऑन गेटिंग दैट बट पता नहीं क्या हुआ कि वो रह गया है मेरे से, बट दिस वन इज़ रियली रियली गुड। और ये जितने लोग अम्मा की ऑयली स्किन है वो यूज़ करती हैं उन पर बहुत अच्छा रहता है। आई हैव ड्राई स्किन और ये मेरी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है।
अच्छा पहले मैं अपनी आई मेकअप कर लूँगी, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइट बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. सेकेंडली आई हैव रियली वीक आई साइड, तो उसको अप्लाई करना है थोड़े से प्रिसाइज तरीके से ताकि आपका स्मजी जो है वो भी लुक आ जाए और एप्लीकेशन भी सही रहे. तो आई एम नॉट यूजिंग एनी आई प्राइमर फॉर दिस, मैं ये टार्ट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है लाइट बेज, और यही अपनी आईलिड्स के ऊपर लगा लूँगी. ये काफ़ी कवरेज, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो ये अप्लाई करूंगी. आई विल ब्लेंड इट आउट यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ ब्रश. अगर आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज द कंसीलर वर्क्स कंप्लीटली फाइन. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस शार्लट टिल्बरी एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश पाउडर. इसका शेड है मीडियम में नंबर 2, और मैं इसे अपनी आईलिड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्रश कर लूंगी विद दिस सॉर्ट ऑफ फ्लफी ब्रश, ताकि जो मेरा कंसीलर है वो इन प्लेस सेट हो जाए. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस एबीएच नॉर्वीना पैलेट, और इसमें वो दोनों शेड्स हैं जो मुझे जिनकी जरूरत पड़ेगी. एक है ये C5 शेड और ये E5 शेड है. E5 और C5 ये दोनों थोड़े से मडी ब्राउन शेड्स में है, चॉकलेट ब्राउन मडी ब्राउन, और ये इसमें एक ब्लैक आई शेडो है तो जिसको मैंने स्मज करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद दिस C5 शेड जो कि लाइटर है, और इससे जो है मैं यूज़ करूँगी विद दिस सॉर्ट ऑफ एंगल्ड ब्रश, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अलॉन्ग दिस लाइन और ओवर माई आईलिड. नाउ आई एम गोइंग टू गो इन विद द सेम ब्रश, और मैं इस पर ले लूँगी ब्लैक आई शेडो, और इसको इसी लाइन के ऊपर जो है मैं अप्लाई कर लूँगी. इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा इससे पतला रख रही हूँ, लिड के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली मोटा, और जो हमारी एज है उसके ऊपर आई एम गोइंग टू विंग इट. मैं एक क्यू टिप यूज कर रही हूँ और इससे इसे और अच्छी तरह स्मज कर लूंगी. मैं एक लिक्विड लाइनर के थ्रू इसका विंग बना लूँ, और ताकि इसे ज़्यादा डिफाइंड लगे, और क्योंकि मेरी हुडेड आईज हैं तो ये थोड़ा सा बीच में ज़्यादा स्मज हो गए. सो आई एम गोइंग टू डू दैट ऑफ कैमरा. मैंने लिक्विड आईलाइनर से दोनों साइड्स पे टिप्स ड्रॉ कर ली हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्मज इट विद द ब्लैक आई शेडो, और फिर दोबारा ब्राउन आई शेडो से इसे स्मज कर लेंगे. यूजिंग दिस क्यू टिप, ये वाला डार्कर ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ दिस ब्लैक आई शेडो. फ्लैट फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्प्रेड कर लूंगी. दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम ऑन द अदर साइड ऑफ द आई. लाइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा, बट आई शो यू इन व्हाइट लाइट एज वेल कि कैसा लग रहा है. मैंने आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाना था. दिस इज हाउ द आई मेकअप लुक्स. अभी ऑब्वियसली इसमें मस्कारा वगैरह भी आ जाएगा, बट इट्स वेरी प्रिटी स्मज ब्राउनी ब्लैक सा आई लुक आ गया है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद माई फेस मेकअप. मैं कलर करेक्टर अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज इट्स हार्डर टू ब्लेंड. सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 40, और ये मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी अंडर आईज पे बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन अंडर माई आईज. और थोड़ा सा माउथ एरिया पे भी. आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद दिस लिटिल ब्यूटी ब्लेंडर. अब मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन. आई एम यूजिंग दिस फेंटी ब्यूटी की प्रो फिल्टर फाउंडेशन, एंड ये सॉफ्ट मैट में है एंड इट्स इन द शेड 260, एंड इसका तो एक पम्प ही मोर देन इनफ होता है बिकॉज इट्स वेरी हाई कवरेज. मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे लिए थोड़ी सी ये जो है स्माइल लाइन्स पे थोड़े से क्रैक्स दे देती है जस्ट बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन और विंटर्स भी हैं इस वजह से भी. अदरवाइज द फाउंडेशन इज रियली रियली गुड. And I'm using this foundation brush. इससे मैं इसे कर लूंगी blend. मैंने brush से अच्छे से blend कर लिया है. Now I'm using a damp beauty blender. और इसको हल्का सा dab कर लूंगी so that my foundation sets in perfectly. अब मैं apply करूंगी glider concealer. And this is the Age of Mine concealer. Maybelline का है in the shade 120. और ये मैं अपनी under eyes पे apply करूंगी.
to highlight them on the bridge of my nose, forehead pe, cupid's bow pe, chin pe, and on this side. Isko bhi beauty blender se main blend kar lungi. और लास्टली फिर मैं यूज़ करूँगी टार्ट का ये वाला कंसीलर फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर हाइलाइटिंग. थोड़ा सा ये अप्लाई करूँगी, ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है. अब मैं अंडर आइज़ को सेट करूँगी यूजिंग दिस शार्लोट टिलबरी का फेस पाउडर. बहुत लाइटली सा करूँगी क्योंकि इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर भी यूज़ करना है. अब मैं फेंटी का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड बटर और इससे अपनी अंडर आइज को थोड़ा सा जो है मैं बेक करूँगी जस्ट फॉर लिटिल वाइल. इसको मैंने कुछ सेकेंड्स के लिए रहने दिया है. अब मैं इसे कर लूँगी ब्रश ऑफ. अब मैं बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रॉन्ज माई फेस लाइटली. नेक्स्ट आप मैं अप्लाई करूंगी ब्लश. मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश इन द शेड इनकरेज और थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे ले लूँगी इसको क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई करते हो फिर वो सही से ब्लेंड नहीं होता. तो और ये वाला थोड़ा सा पफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ. थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैप कर लूँगी और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी मिलानी का ये वाला ब्लश. ये थोड़ा पीछे कोरल सा ब्लश है और इसका शेड है ल्यूमिनोसा 5. अब मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर. आई एम यूजिंग दिस पैलेट और वाला शेड यूज करूंगी. मेरी आईज अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा का न्यू न्यूट पैलेट और इसमें से ये वाला जो लाइट ब्राउन शेड है सीक्रेट ये यूज़ करूँगी और मैं इसे अप्लाई करूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे. आईब्रोज के लिए मैं ये लशियस का ब्राउ किट यूज़ कर रही हूँ और पहले थोड़ी सी वैक्स अप्लाई करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू गो इन विद डार्कर शेड्स और उसे सिर्फ अपनी आर्च को लाइन कर लूंगी. और स्पूली से मैं इसको सेट कर लूंगी. थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपनी ब्राउ बोन पे लगाऊंगी एंड दैट्स इट. अब मेरी लिपस्टिक रह गई है. फॉर दैट आई एम यूजिंग द मेकअप बाय मारियो लिप पैलेट और इसमें से मैं कोई डार्क न्यूड से अपनी लिप्स को लाइन करूंगी. मैं ये वाला डार्क ब्राउन न्यूड यूज कर रही हूँ फॉर लाइनिंग माई लिप्स. और अब ये लाइट न्यूड जो है मैं लगाऊंगी इन द सेंटर ऑफ माई लिप्स. मिलानी की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन द शेड प्लेजर. ग्लॉस मैं इसके बाद अप्लाई करती हूँ. पहले आई एम गोइंग टू अप्लाई माय मस्कारा एंड देन आई विल बी बैक. माय मेकअप इज ऑल डन. मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है. नाउ माय ग्लॉस इज लेफ्ट. वो मैं थोड़ी देर में अप्लाई करती हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस सेटिंग स्प्रे बाय शार्लोट टिलबरी एंड माय मेकअप इज गोइंग टू बी कम्प्लीट. लास्टली मैं ये लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ बाय NYX और इसका शेड है स्क्रोलिन. आई एम गोइंग टू गो इन विद अ लॉट बिकॉज फिर वो बाहर में बहुत टैकी सा हो जाता है. दैट्स इट. माय मेकअप लुक इज कंप्लीट. नाउ आई गेट ड्रेस्ड एंड आई ब्लो ड्राई माय हेयर. उसके बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ. गाइज आई एम ऑल ड्रेस्ड अप. मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई कर लिए हैं.
बैग ले लिया है, शॉल थोड़ी सी सेट नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, सो आई एम फिगरिंग आउट अ वे कि अच्छे से सेट हो जाए. एंड आई वॉर्न माई हील्स एंड आई एम ऑल डन. अब बस निकलते हैं. अस्सलाम वालेकुम गाइस. तो आज नेक्स्ट डे है और कल का इवेंट बहुत बहुत अच्छा रहा. आई मेट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल टाइम और इट वॉज़ अ प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ देम. एंड द ब्राइड हरसेल्फ लुक रियली रियली प्रिटी. तो बस बहुत अच्छा रहा. आज हमारे घर है दावत. आरिस लोगों की फैमिली आ रही है अलॉन्ग विद अनदर फैमिली फ्रेंड. तो ऑलमोस्ट 70% जो मेन्यू है वो मैंने बनाना है. तो हम चाइनीज़ बना रहे हैं आज. आई हैव टू मेक चाउमिन, ससमी चिकन, मंचूरियन. बाकी जो राइस और सूप वगैरह है वो अम्मा का डिपार्टमेंट है. और आई विल होपफुली ट्राई टू स्क्वीज़ इन माई ऑरेंज केक एज वेल, क्योंकि उसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा. सो आई एम ट्राइंग कि मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ. सो होपफुली आई विल डू दैट. अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता और उसके बाद जो है हम दावत की तैयारी शुरू करते हैं. हेलो गाइस, हमारे गेस्ट आ चुके हैं. ये छोटे छोटे गेस्ट हैं हमारे. ये है आरिस. हेलो बोलो. हेलो गाइस. और ये है शादान. हेलो. और आबिश से मैं आपको मिलवाती हूँ. ये हमारी प्यारी सी आबिश से. माशाल्लाह इतना प्यारा. कहती हमने बाजी मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा लगे. आप लोग बताएं भाई कैसा लग रहा है. बहुत प्यारा. और मेरा रूम सबको बड़ा अच्छा लग रहा है एक्सेप्ट फॉर द कबर्ड. और ये रही हमारी बीजो. मारा अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ. यम 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 यम. तो मेरा ऑरेंज केक अभी तक रास्ते में ही अटका हुआ है. वो बन ही नहीं पा रहा. और मैं और बहुत सारी चीज़ों में बिजी थी बिकॉज मुझे खाना शाना प्रिपेयर करना था अम्मा के साथ. तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी आ गई है तो आबिश के साथ और बच्चों के साथ मिलकर मैं आपके साथ ऑरेंज केक बनाऊंगी. आप लोग मेरी हेल्प करोगे बनाने में? यस. ठीक है, करोगे आप? मैं सिर्फ बताऊंगी. ओके. ओके देन. हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं किचन में. वी गॉट डन विद आवर लंच. अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना. मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो दिखा सकती हूँ जो लेफ्ट ओवर रह गई हैं. ये थी हमारी चाउमिन और ये मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी अवेलेबल है शंघाई नूडल्स के नाम से. और मैंने अब ऑरेंज केक की सारी चीज़ें जो है ले आउट कर दी हैं. इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक बोल में ले लूँगी बटर. बटर को मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव ओवन में हीट अप कर लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था फ्रिज में. तो इसे थोड़ा सा मैंने सॉफ्टन कर लिया है. इसको थोड़ा सा करेंगे पहले बीट. अगर आप इसे ओवन में हीट अप नहीं करना चाहते एंड यू डायरेक्टली वॉन्ट टू यूज़ इट तो आप इसमें हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. और इसमें मैं ऐड कर दूंगी शुगर. ये अबाउट 3/4 cups कैस्टर शुगर. इसको ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह क्रीम कर लेंगे. साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल. ये नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है जो हम कुकिंग में यूज करते हैं. ये मैंने डालडा पे यूज किया है. इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. Next in, I'm going to add in my eggs. मैं दो अंडे इसमें डाल रही हूँ. इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं. एंड अगेन आप एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें ताकि जितनी एयर पॉसिबल है वो इसके अंदर आ जाए. अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज जूस. ये अबाउट 1/3 cup मेरे पास ऑरेंज जूस था और उसी ऑरेंज का मैंने थोड़ा सा जेस्ट भी निकाल लिया था. ये मैं डाल रही हूँ अबाउट 1 to 1.5 teaspoon के बराबर. ये ऑप्शन अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. लेकिन इससे ज़्यादा ऑरेंजी जेस्टी फ्लेवर आएगा. और कलर ऐड करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, बट इसमें लाइट ऑरेंज कलर बड़ा प्यारा लगता है. सो आई एम गोइंग टू लीव इट एज इट इज़. अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क और इसको भी अच्छे से कंबाइन कर लेंगे. ये हमारा वेट मिक्सचर तैयार हो गया है. अब हम अपना ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं. अब दूसरे बोल में मैं ऐड कर रही हूँ मैदा. साथ में इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर से केक बहुत ज़्यादा स्पंजी और मॉइस्ट बनता है. और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर और सॉल्ट. ये हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया है. और ये मेरे पास हैं क्रैनबेरीज. क्रैनबेरीज ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राइड क्रैनबेरीज. अगर आपके पास फ्रोजन है या फ्रेश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैं ऐड कर दूंगी अबाउट 1 tablespoon ऑफ मैदा और इसे अच्छे से डस्ट कर लूंगी इसके ऊपर ताकि केक के बॉटम के ऊपर जाके सिंक ना हो जाए. इस तरह ये सेपरेट रहेंगी. अब मैं अपना जो ड्राई मिक्सचर है
वो वेट मिक्सचर में ऐड करती जाऊंगी इनटू पोर्शंस और इसे जो है हम मिक्स कर लेंगे. थोड़ा सा मैंने ऐड किया है एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड विस्क ताकि जितने भी इसमें लम्स बनते जा रहे हैं वो हमारे डिजोल्व हो जाएं. अब मैं रिमेनिंग ड्राई मिक्सचर ऐड कर दूंगी इसमें और इसको भी अच्छे से कंबाइन कर लेंगे. हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से मैंने विस्क की हेल्प से मिक्स कर लिया है. कंसिस्टेंसी इसकी कुछ इस तरह की है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्रैनबेरीज और इसे मैं कर लूंगी अच्छे तरीके से फोल्ड. बड़ा सिट्रसी जेस्टी सा ये केक बनता है और विंटर्स में ऑरेंजेस हों और आप ये ना बनाएं तो गाइज यू आर मिसिंग आउट. अम्मा को एक स्पाइस्ड केक बहुत पसंद है जो कि यूजली लोग क्रिसमस में बेकरीज में मिल जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. मैंने एक लोफ पैन ले लिया है और इसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था मैदा ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए तो ये नॉन स्टिक रहेगा और केक हमारा इजीली से बाहर आ जाएगा. अब मैं इसमें मिक्सचर ऐड कर रही हूँ, इसे काउंटर टॉप पर थोड़ा सा टैप कर लूँगी ताकि एयर बबल्स निकल जाएँ और इसे रखते हैं ओवन में. ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया था 20 मिनट्स के लिए लोअर रॉड ऑन करके एट अबाउट 180 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अब इसका मैं टाइमर लगा रही हूँ अबाउट 35 टू 40 मिनट्स के लिए और इसे मैं रख दूंगी ओवन में. मैंने सबसे टॉप मोस्ट शेल्फ के ऊपर रखा है और इसे बेक होने देंगे. अच्छा, केक हमारा जब तक बेक हो तब तक हम आइसिंग तैयार कर लेते हैं. मैंने ले ली है 1 कप आइसिंग शुगर और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अबाउट 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑरेंज जूस और साथ में इसमें थोड़ी सी जेस्ट और ऐड करूंगी और इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स. थोड़ा सा इसमें और डालूंगी. ये जी हमारी मज़े की ऑरेंज आइसिंग भी तैयार हो गई है. बस हमारा केक बेक होता है तो हम इसे फ्रॉस्ट करेंगे. अगर आप चाहें तो इसे गर्म गर्म भी मैं आपको आरे सिखाती हूँ. ये देखें जी क्या कर रहा है. तंग कर रहे हो, खेल रहे हो. आरिस भाई हमें माल्टा ला के दिया है कि मैं शुएब अख्तर हूँ और मैं बॉलिंग करा रहा हूँ. राइट आरिस? क्यों शर्मा रहे हो? भाई आरिस रियली वॉन्ट्स टू बी अ वेरी फेमस ब्लॉगर वन डे इंशाल्लाह ताला. नहीं, अब क्या बनना है? या तो गेमर या तो क्रिकेटर. क्या बनना है? गेमर या क्रिकेटर. गेमर या क्रिकेटर, वाह भाई. ये भाई आरिस को बड़ा दिल कर रहा है कॉफी पीने का, तो अब हम बनाने लगे हैं कॉफी. लाओ देखिए, कप. सॉरी, हाँ कप भी दो. विच वन डू यू वांट? रेड वाला. ओके, चलो जी ये देखते हैं. कैरमल वाली पीनी है, आइस्ड. गला खराब हो जाएगा जितनी सर्दी है. नहीं नहीं, आपको नींद आ रही इसलिए पीना है. अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं जी. आबिश की कॉफ़ी भी तैयार है, ये आरिस की है, ये है शादान की. शादान इसको स्ट्रॉ से मिक्स कर लो. और मारब को हम नहीं दे सकते बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा छोटी है फिर कॉफ़ी. ये लोग भी बहुत छोटे हैं लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने निकलवा ली हमसे. कैसी आरिस? बहुत मज़े की है. अच्छा जी, तो अब हमारा चल रहा है चाय सीन. यहाँ पे जी कबाब फ्राई हो रहे हैं टेबल पे. चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने राइस पेपर शीट्स में रामेन डाल के बच्चों के लिए बनाई है और मेरा ऑरेंज केक भी तैयार है. इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया था, बहुत अच्छा सा बेक हुआ है और इस पर मैंने लगाती है आइसिंग और थोड़ा सा डेकोरेटिव सा इसको बना दी. मैं आपको कट करके दिखाती हूँ. ये देखें कितना परफेक्ट बना है. क्रैनबेरीज इतनी मज़े की लग रही हैं इसमें. तो दैट्स इट. So guys, that's it for today's video. I hope you guys liked it. I'll be seeing you guys next time. Allah Hafiz.